चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 9/41 कंप्यूट कॉस ऑफ ए एंड टेन ऑफ ए. बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 सॉल्व किया था उसी की तरह है. ठीक है, तो हमको साइन ऑफ ए का रेशियो गिवन है 9/41. तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया एक्स वाई जेड, जो कि राइट एंगल है वाई पर, तो वाई के सामने वाली साइड हो गई हमारे लिए हाइपोटेनियस. ठीक है, अब साइन थीटा के रेशियो को हमको पता है साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अगर चलो भूल जाएँ तो हमने ट्रिक भी ये बनाई है इसकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो फर्स्ट रेशियो होता है वो साइन का होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारे पास 9. अगर इसे हम बोलें ये परपेंडिकुलर है तो ये हो गया 9 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास 41. हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, तो हम पहले बेस कैलकुलेट करते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस हमको गिवन है 41 प्लस ऑफ बेस हमको कैलकुलेट करना है, इसे एज इट इज रहने देते हैं. पी परपेंडिकुलर 9 का स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 41 का स्क्वायर. 41 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस ऑफ 9 का स्क्वायर 81. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया बचा 1600, तो बेस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1600. तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 4. फाइनली आंसर बना 40. तो हमने बेस भी निकाल लिया है जिसकी भी लेंथ आ गई है 40. ओके, अब हमको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में कॉस ऑफ ए एंड टेन ऑफ ए, राइट. तो कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस की वैल्यू है हमारे पास 40 और अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 41. अच्छा, हमको कॉस ऑफ ए कैलकुलेट करना था, तो आप इसको अपने परपेंडिकुलर माना है तो इसको आप ए ले लीजिए, इसको आप बी ले लीजिए, इसको आप सी ले लीजिए. वो बेस के का बी और ये वर्टेक्स का बी में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक्स वाई जेड लिया था. खैर कोई प्रॉब्लम नहीं. तो कॉस ऑफ ए, इस एंगल ए के लिए बात करें तो सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है, रिमेनिंग साइड बन गई हमारी बेस और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस. तो इस तरह हमने कॉस ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. क्लियर है, तो अब हम टेन ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं. टेन ऑफ ए, टेन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देखिए क्या लिया हमने 9 और बेस से हमारे पास 40, राइट. बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए. अब चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. गिवन 15 cot of a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a. ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है. अब देखिए हमको कंडीशन गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8, तो हम यहाँ से cot a इक्वल टू 8/15 हम लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए cot का रेशियो क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, ठीक है, जिसे भूल जाएं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो टेन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो कॉट का रेशियो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हमको गिवन है बेस की वैल्यू 8, राइट, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको गिवन है 15, हमको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है. अब हमको फाइनली निकालना है हाइपोटेनियस, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस तो कैलकुलेट करना है, बेस हमको गिवन है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225. दोनों नंबर को आपस में ऐड किया 9, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 2 एज इट इज़ 289. और तो 289 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जो कि होता है 17 के, ठीक है. तो हमारे पास हाइपोटेनियस भी आ गया जो कि है 17. अब हमको बताना है साइन ऑफ ए, तो साइन ए का रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर गिवन था 15, हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया है 17. क्लियर है, और बताना है हमको सेक ऑफ ए, तो देखिए कॉस का रेशियो होता है पी बाय एच, तो सेक हो जाएगा एच बाय बी, हाइपोटेनियस 17 और बेस 8. ओके, क्लियर है क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है.